अभी एक बात तो सोचिए ना सर, जब मृणाल बॉबी के साथ है तो बॉबी को सेफ्टी की और भी ज्यादा जरूरत है सर। और जब बॉबी हमारे साथ रहेगा तो मृणाल तो क्या, कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुकू प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बॉबी को घर आ जाने दो प्लीज। हमारे बॉबी को किसी की बुरी नजर ना लगे, और अगर किसी ने बॉबी के साथ या इस घर परिवार के साथ कुछ गलत करने का सोचा भी तो याद रखना मेरी नजर उस पे है, और इतनी बुरी तरीके से लगेगी ना कि संभल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। जाओ अपने कमरे में। भाभी मैं अपने कमरे में रहूंगा और मृणाल गेस्ट रूम में। मृणाल ने कहा जब तक सब हमें माफ नहीं कर देते और दिल से अपना नहीं लेते तब तक हम पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं रहेंगे। पूरे शहर के साड़ी शोरूम देखने के बाद ये एक साड़ी पसंद की थी तुम्हारे लिए वंदना। तुमने तारा के लिए, घर परिवार के लिए, मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए एक छोटा सा हार्टफेल्ट थैंक यू कहना था। कल जब तुमने मिलने बुलाया था तो सोचा मैं तुम्हें मिल के दे दूंगा, पर अब कोई मतलब नहीं रहा है साड़ी का। पता नहीं दिल को कौन सी चीज ज्यादा चुभ रही है, बॉबी की हरकत है या वंदना का धोखा। कैसे आपको यकीन दिलाऊं सर, मानती हूँ मैं गलत हुआ है, पर मैंने गलत नहीं किया है। मैं गलत कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरा दिल आपसे जुड़ा है सर। धोखा उसी का दिल दुखाता है जिसके साथ दिल का कुछ जुड़ा हुआ नहीं। और कुछ नहीं, पर हम अच्छे दोस्त तो बन ही गए थे वंदना, लेकिन मृणाल और बॉबी के बारे में ना बता के बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। हम उतने पास नहीं थे, लेकिन अब हम बहुत दूर हो जाएंगे। ये तो मृणाल के चप्पल के निशान है। मृणाल के साथ आई ये काली मिट्टी इस घर परिवार के सुख शांति और इसकी खुशियों के लिए काली का दाग ना बन जाए। क्या चल रहा है ये सब? मम्मी घर में इतना सब कुछ हुआ तो मैंने सोचा सबकी खुशहाली के लिए सत्यनारायण जी की कथा रखते हैं, इससे सारी अशांति भी मिट जाएगी और घर में सब शुभ होगा। कैसे नहीं आई मृणाल? शायद यही है